Hello children, start the second subject English, chapter 2, Little Elephant's Silver Trip. Today, I will explain the exercise of chapter 2. Okay children, see here. I have explained the lesson and today we will do here exercise of lesson number 2. Now, open the page number 20 in the textbook. See here, read the lesson aloud. हमने lesson read कर दिया, explain हो गया, अभी हम लोग exercise कर रहे, exercise A. Answer orally. What do you do to make your friends happy? ओके चिल्ड्रन, सो यहाँ पे उसका आंसर आएगा आई टॉक एंड प्ले विथ friend to make यहाँ पे आप him भी लिख सकते हो, अगर boyfriend है तो him लिख सकते हो, अगर girlfriend है तो her लिख सकते हो, to make him या फिर her happy, ऐसा आंसर आपको लिखना है. तो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट डू यू डू टू मेक योर फ्रेंड्स हैप्पी, तो आप अपने फ्रेंड के साथ क्या करोगे उसको हैप्पी रखने के लिए. तो हम लोग उसका आंसर लिखेंगे आई टॉक एंड प्ले विथ फ्रेंड टू मेक हिम या स्लैश हर हैप्पी. नाउ Exercise B. Tick the correct answer in each. यहाँ पे हमको जो right answer है उसमें tick करना है. तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमको 3 option दिए A, B, C. तो हमको जो उसके सामने हमको जो box दिए है उसमें हमको tick करना है. तो यहाँ पे देखो, जैसे first है डैश गोज फॉर अ वॉक, तो वॉकिंग के लिए कौन जाता है सबको पता है. चलो बोलो 3 ऑप्शन में से क्या आएगा. फर्स्ट है लिटल एलिफेंट, सेकेंड है ज़ूरो ज़ेब्रा एंड थर्ड है ज़ूनो ज़िराफ. तो ये 3 ऑप्शन जो दिए है उसमें से क्या आएगा. यस, सबको पता है आएगा लिटल एलिफेंट. तो उसमें हमको टिक करना है और उसको अंडरलाइन भी करेंगे हम लोग. और यहाँ पे आपको लिखना है लिटल एलिफेंट. चलो सेकेंड नंबर, ज़ूनो ज़िराफ हैज़ डैश. ज़ूनो ज़िराफ क्यों, क्या ज़ूनो ज़िराफ के पास क्या था. स्नेजी स्ट्राइप्स थी, प्रीटी पैची से की हार्ड स्किन थी. ये भी आंसर सबको पता है. चलो कौन बताएगा. हाँ, ज़ूनो ज़िराफ के पास प्रीटी पैची थे. तो उसमें हम लोग टिक करेंगे और उसको अंडरलाइन भी करेंगे और फिर यहाँ पे आंसर लिखेंगे प्रीटी पैची. चलो अभी थर्ड नंबर, द रॉक बिगिन्स टू गिगल, हु इज द रॉक. जो रॉक गिगल कर, रॉक ने गिगल स्टार्ट किया तो वो रॉक कौन था. तो उसके ऑप्शन में हमको दिया है ज़ूनो ज़िराफ, लिटल एलिफेंट और कारो क्रोकोडाइल.
तो उसमें आंसर क्या आएगा आपको पता है, चलो बोलो क्या आएगा, लिटल एलिफेंट। अच्छा तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे और उसको अंडरलाइन भी करेंगे। यहाँ पे हमको ब्लैंक्स नहीं दिए इसीलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ओके तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक्सरसाइज सी। एक्सरसाइज सी है उसको हम लोग देखेंगे। उसमें है लिटल एलिफेंट मीट्स थ्री एनिमल्स, नंबर देम इन और इन द ऑर्डर इन विच ही मेट्स देम। तो हमने स्टोरी में देखा कि जैसे उसको सबसे पहले कौन मिलता है, फिर सेकंड कौन मिलता है और थर्ड में कौन मिलता है, तो हमको वैसे हमको नंबर, ये हमको बॉक्स दिए उसमें नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले मिलता है ज़ूरो ज़ेब्रा, यानी उसके आगे हम लोग लिखेंगे वन नंबर। फिर बाद में मिलता है ज़ूनो ज़िराफ, तो उसमें वो बॉक्स में हम लोग लिखेंगे सेकेंड नंबर। और थर्ड में लास्ट में हमको मिलता है कारो क्रोकोडाइल, तो वो उसमें हम लिखते हैं थ्री नंबर। ओके बच्चों, एक्सरसाइज थ्री, रीड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डज लिटिल एलिफेंट गो फॉर अ वॉक, यानी लिटिल एलिफेंट क्यों वॉक करने जाता है। उसका आंसर है, आंसर फर्स्ट, लिटिल एलिफेंट गोज फॉर अ वॉक बिकॉज ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर। एक्सप्लोर यानी कि ढूंढना, वो कुछ डिस्कवर करना चाहता है इसीलिए वो वॉक पे जाता है। सेकंड नंबर, हाउ डू द स्नेजी स्ट्राइप्स ऑफ ज़ोरो ज़ेब्रा हेल्प हिम। ज़ोरो ज़ेब्रा के ऊपर जो स्नेजी स्ट्राइप्स थी तो वो उसे कैसे हेल्प कर रही थी। तो उसका आंसर है, आंसर टू, द स्नेजी स्ट्राइप्स ऑफ ज़ोरो ज़ेब्रा हेल्प हिम टू हाइड इन द ग्रास, यानी कि ज़ोरो ज़ेब्रा को जो स्नेजी स्ट्राइप्स थी उसके स्किन पे बनी हुई वो उसको ग्रास में छुपने के लिए, हाइड यानी छुप जाए, तो उसको छुपने के लिए हेल्प करती थी। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ डू द प्रीटी पैचेस ऑन ज़ूनो ज़िराफ्स बॉडी हेल्प हर। तो ज़ूनो ज़िराफ के बॉडी पे जो प्रीटी पैचेस थी तो वो उसे कैसे हेल्प करती थी। तो उसका आंसर है, आंसर थ्री, द प्रीटी पैचेस ऑन ज़ूनो ज़िराफ्स बॉडी हेल्प हर टू हाइड अंडर द ट्रीज, यानी कि वो उसकी वजह से ट्रीज के नीचे छुप जाए तो किसी को पता चलता नहीं था। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई डज लिटिल एलिफेंट फील सैड। लिटिल एलिफेंट सैड क्यों फील कर रहा था। आंसर फोर, लिटिल एलिफेंट फील सैड बिकॉज ही कैन नॉट हाइड एनीवेयर। लिटिल एलिफेंट इसीलिए सैड फील कर रहा था क्योंकि वो समझ रहा था कि मैं कहीं पे भी छुप सकता नहीं हूँ। क्वेश्चन फाइव, व्हाई इज लिटिल एलिफेंट हैप्पी इन द एंड। लिटिल एलिफेंट क्यों लास्ट में हैप्पी हो गया, क्यों खुश हो गया वो। आंसर फाइव, लिटिल एलिफेंट इज हैप्पी इन द एंड बिकॉज he can also hide just like his friends, क्योंकि वो भी अपने फ्रेंड्स की तरह कहीं पे भी छुप सकता था, जैसे उसके फ्रेंड ज़ूनो ज़ेब्रा और ज़ूनो ज़ेब्रा छुप जाते थे वैसे लिटल एलिफेंट भी छुप सकता था। सिक्स्थ क्वेश्चन, A new boy comes to your class. He wants to be your friend. What do you do? ये last question जो है वो textbook में देखो बच्चों, उसमें हमको A B C D A B
सी थ्री ऑप्शन दिए है, तो उसमें से हमको जहाँ पे राइट आता है उसमें टिक करना है, ऐसे स्क्वायर बॉक्स दिए है उसके सामने, तो वहाँ पे हमको टिक करना है। तो अगर कोई न्यू बॉय आपके क्लास में आएगा, ही वॉन्ट्स टू बी योर फ्रेंड, वो आपका फ्रेंड बनना चाहेगा, तो आप क्या करोगे? तो उसमें सबसे फर्स्ट है ए में वॉक अवे, बी है बी फ्रेंड्स विथ हिम, और लास्ट में है से नो। तो ये थ्री में से राइट ऑप्शन आएगा बी फ्रेंड्स विथ हिम, यानी हम लोग उसके सामने जो राइट एक बॉक्स दिया है उसमें हम लोग टिक करेंगे, उसमें क्या करेंगे टिक करना है, यानी कि ये राइट ऑप्शन है। ओके, नाउ सी ऑन द पेज नंबर 21 एक्सरसाइज ई, Who said these words? Write the names in the blanks. Who said these words? Write the names in the blanks. हमको यहाँ पे lines दिए, sentences दिए, तो उसके सामने हमको एक box दिया है, उसमें हमको blank दिए, तो हमको उसके सामने उसके answer लिखने हैं। फर्स्ट, why are you stripy, ऐसा कौन बोलता है? तो ऐसा बोलता है लिटल एलिफेंट। सेकेंड नंबर, when I am under the trees and the sun is shining, it is really hard to see me, ऐसा कौन बोलता है कि जब मैं ट्री के नीचे छुप जाता हूँ और सन शाइनिंग कर रहा होता है तो मुझे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, मुझे कोई देख सकता नहीं है, तो ऐसा कौन बोलता है? तो ऐसा बोलता है जूनो जीराफ, जीराफ बोलता है। थर्ड नंबर, व्हाट अ क्लेवर ट्रिक के बारे में कौन बोलता है ऐसा सेंटेंस? तो बोलता है जूरो जीब्रा। फोर्थ नंबर, आई वॉन्ट टू प्ले हाइड एंड सिक, ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है लिटल एलिफेंट। तो फोर्थ नंबर में हम लोग लिखेंगे लिटल एलिफेंट।